जी मलिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम यार सर, सलाम। आप हमेशा आप बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो बहुत ही खास प्रोग्राम है, जायदा भी मुझे लगता है आपके प्रोग्राम में आएंगे, वो अनफोल्ड करने की बात कर रही थी। यस या सर, मैं ये कहना चाहूंगी, कामरान ने जो भी कहा यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, इसको एक कदम और आगे लेके जाना चाहूंगी। ये बहुत अच्छा इन्होंने हमें याद दहानी करवाई। हम अक्सर भूल जाते हैं, हम कायदे आजम की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन ये तीन उसूल जो उन्होंने हमें दिए थे ये भूल जाते हैं। तो एक तो हमें ये याद रखने हैं, और मैं हमेशा बात करती हूँ जाती जिम्मेदारी की। हम सबको अपने आप को जिम्मेदार इंसान के बाद जिम्मेदार पाकिस्तानी बनाना है। और जिम्मेदार पाकिस्तानी हम कैसे बनेंगे, अगर हम यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन की ही बात करें, तो यूनिटी के हवाले से मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, बाकी सबको अपने साथ कैसे जोड़ना है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैंने उनके साथ कैसे जोड़ना है, ताकि हम मिलके जो भी काम करें मिलके करें। क्योंकि जब इकट्ठा होके काम करते हैं तो फिर बहुत बेहतर काम कर पाते हैं, अकेले अकेले इतना नहीं कर पाते। जैसे कहते हैं एक अकेला दो ग्यारह, तो जब हम दूसरों के साथ मिल जाते हैं तो हम बहुत कुछ अकम्प्लिश कर पाते हैं। फेथ की जहां तक बात है, मेरा फेथ क्या है, मेरा दीन जो भी हो, मेरा मजहब जो भी हो, मुझे अगर अपने फेथ की, अपने मजहब या दीन की इज्जत करवानी है, तो मुझे दूसरों के मजाहिब की इज्जत करनी होगी। और अपने दीन की, पाकिस्तान को हमारा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो मेजोरिटी लोग यहाँ पे मुसलमान हैं, वो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने दूसरे मजाहिब के पाकिस्तानी हैं। तो मुसलमानों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमें अपने दीन को समझना है और प्रैक्टिस करना है, तो बहुत अमन का दीन है। बजाय सुनी सुनाई बातों को लेके आगे चलने के, अपने दीन को समय, अगर हम 2021 के लिए ये तहैया कर लें कि मुझे पढ़ के खुद अपने लिए समझना है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके समझना है कि ये दीन है क्या, बहुत सादा है, बहुत इंसाफ पसंद है, इसकी अगर टेक्निकलिटीज में ना फंसे तो ये हमें अच्छा इंसान बनाता है। और जब हम अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपने इर्द गिर्द किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, जान देनी तो बहुत दूर की बात है। तो अच्छा पाकिस्तानी बनने के लिए अच्छा इंसान और फेथ को रिस्पेक्ट करना, अपने को करवाने के लिए दूसरों को रिस्पेक्ट करना, और उसके बाद डिसिप्लिन आ जाता है। डिसिप्लिन, जैसे जायरा ने भी कहा, डिसिप्लिन के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। तो मुझे अपनी जिंदगी के अंदर कैसे डिसिप्लिन लेके आना, और फिर अपने हर काम में कैसे डिसिप्लिन लेके आना। सो फोकस अगर हम अपनी जात के ऊपर करें तो वहां से फिर चीजें लेके चलनी आगे बहुत आसान हो जाती है। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि किसको क्या करना चाहिए, तब तक कुछ नहीं होता, क्योंकि हर कोई दूसरे को कह रहा होता है। लेकिन अगर हम सब ये सोचना शुरू करें कि अच्छा अगले साल में मैंने अपने आप को, अभी भी जिम्मेदार हैं हम सब, लेकिन इससे ज्यादा जिम्मेदार इंसान और पाकिस्तानी कैसे बनाना है, ताकि पाकिस्तान की तरक्की में, डेवलपमेंट में मैं, मेरी कंट्रीब्यूशन बढ़े। लेकिन अगर 50 साल भी लगते तो ये अगर हम सब अपने से आज सवाल करें, आज की रात है सोचने के लिए, पहले अभी तक क्या किया, पिछले साल में क्या किया, और आगे इससे बेहतर क्या करना है, तो मेरा ख्याल है हम तब्दीली की बात करते हैं। हम सब जब तक उस तब्दीली को लाने में शामिल नहीं होंगे, तो एक इंसान तब्दीली नहीं लेके आ सकता। हम सबको अपना अपना किरदार निभाना है, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है एज अ पाकिस्तानी। अच्छा मलिहा, जैसे आपने इंडिविजुअल की बात की, तो माशाल्लाह से आपको और मेहरगढ़ को अलहदा नहीं किया जा सकता।
तो मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए और लोगों को बताइए कि 2021 के लिए क्या आपकी रेजोल्यूशन है, क्या करने जा रही हैं आप और आपका इदारा। जी बिल्कुल, मेहरगढ़ हमेशा लोगों के हकूक के लिए काम करता है और सब पाकिस्तानियों के हकूक के लिए। ये जो कोविड पेंडेमिक शुरू हुआ मार्च में, तो शुरू में एकदम हम लोग जरा परेशान हुए थे कि अब करेंगे क्या। पहले तो ये लगता था हफ्ते दो हफ्ते में खत्म हो जाएगा, फिर देखा कि चलना शुरू हो गया तो लंबा लगता है। तो फिर फिगर आउट किया, आज जो आप डिजिटल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना। मैं आपको बताऊं कि ये पिछले 8-9 महीने के बाद आज मुझे पता भी, यानी एहसास भी नहीं होता किसी किसी वक्त कि मेरे काम में कोई कमी आ गई इसके कोविड की वजह से, क्योंकि मेरी सारी मीटिंग्स, मेरी सारी ट्रेनिंग, मेरा जितने लोगों से बातचीत, उनको गाइड करना, टेलीफोन और कंप्यूटर, इंटरनेट, जूम जिंदाबाद, यानी जिसने भी शुरू किया, सो हालात के साथ अपने को बदलना और ज़रूरियात के हिसाब से जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम दो तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं हाय ये क्या हो गया हमारे साथ, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बजाय अगर हम सब अपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करें और ये फिगर आउट करें, अच्छा काम तो करना है, कैसे करना है, ये चैलेंजेस है, हाउ आर वी गोइंग टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो हमें अल्लाह ताला ने इतना ज़हीन बनाया है कि हम हमेशा कोशिश करें तो कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। तो मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ का काम बिल्कुल वैसे ही जारी है जैसे पहले कर रहे थे, अब सिर्फ टेक्नोलॉजी को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन काम जो है उसमें हम कोई कमी नहीं आने देते और इंशाल्लाह 2021 में इसी तरह लेके चलेंगे।